खबर आ रही है कानपुर से। महंगाई पर प्रदर्शन के दौरान NSUI की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व पुलिस के बीच झड़प। बढ़ते पेट्रोल के दामों पर समर्थकों संघ प्रदर्शन कर रही NSUI पूर्व अध्यक्ष करिश्मा ठाकुर। पुलिस पर तानाशाही का लगाया आरोप। कांग्रेस नेत्री ने खुद को बताया देश की बेटी। करिश्मा ठाकुर ने पुलिस पर महिलाओं से अभद्रता का लगाया आरोप। पुलिस ने NSUI के जिला अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में चल रहा था प्रदर्शन। देखिए, हम सभी देख रहे हैं कि देश की जनता आज किस तरह परेशान है बढ़ती हुई महंगाई को लेकर। आज पेट्रोल के दाम शतक छू रहे हैं। हम लोग तो मोदी जी को बधाई देने सड़कों पे आए थे कि भैया 100 आपने पार कर लिया है। आज मध्य प्रदेश जाइए, राजस्थान जाइए, उत्तर प्रदेश जाइए, लगभग पेट्रोल और डीजल 100 के करीब होता जा रहा है। सड़क पर उतर कर हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने आगे हम लोगों से कहा कि आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। और जब हम लोग ने पूछा कि भाई क्यों नहीं कर सकते, लोकतांत्रिक देश है, इतनी महंगाई बढ़ रही है, प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो पुलिस ने हम लोगों के साथ गुंडों जैसा व्यवहार किया। हमारे जिलाध्यक्ष जीत सिंह को इन्होंने ठूस दिया अपनी गाड़ी में, उसको जेल ले गए, थाने ले गए। लगभग 50 से 60 कार्यकर्ता हमारे अभी इन्होंने गिरफ्तार कर लिए हैं। महिला पुलिस इनके साथ नहीं थी, हमारी महिलाओं को मारा पीटा। मेरे साथ अभद्रता की, इन्होंने हमारे कपड़े खींचे। तो मुझे लगता है जिस तरह का व्यवहार ये सरकार कर रही है, पुलिस भी उनसे मिली हुई है, लेकिन ये प्रशासन और इस सरकार सुन ले कि युवा सड़क पर आ गया है, हम महंगाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हो, जब तक पेट्रोल और डीजल के दाम ये लोग कम नहीं करेंगे। ये प्रदर्शन आज रतनलाल नगर में हुआ है, कल पूरी गोविंद नगर विधानसभा में होगा, पूरे कानपुर शहर में होगा।